अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय रोशना भाई चैनल। अच्छा जी, आज हम लोग जा रहे हैं बहुत दूर एंजॉय करने घूमने। आधी फौज हमारी ये खड़ी है, आधी गाड़ी हमारी ये खड़ी है। इंशाल्लाह हम लोग निकलते हैं, पहुँच के वहाँ पर आप लोग बताते कि डेस्टिनेशन पर हम लोग जा रहे हैं। और बहुत ही इंजॉय होने वाला है, मज़ा आने वाला है, मज़े। ये गाड़ी निकाल लें, गाड़ी निकाल के फिर हम लोग निकलते हैं। सही है, ये चेक करो। एन बड़ी अपा को फ़ोन तो करो, वो तो आई नहीं अभी तक। अपा को फ़ोन करो, ये लोग किसी को फ़ोन से। तो ये हम लोग बस निकल रहे हैं। ये मेरा बेटा, ये गेट अप उसमें बैठते हैं हम लोग गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर बैठ कर फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या क्या होने वाला है आज। आज की रात कि हम पहुंचने वाले हैं अब। चले खड़े हो गए मांगने वाले। ये देखें गाइस, अब हम पहुंचने वाले हैं। वैसे ही पहुंचने वाले हैं अब तो हम पहुंचने वाले हैं। तो चेक करें, मगरिब तो मिल जाएगी। ये चेक, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, ये मेरे मियाँ, मैं हूँ कैमरे के पीछे। पहुंचने वाले दूर है, मैं करूंगी तो यहाँ जूम कर दिया आ रही है। ये मुझे किन्नू के पेड़ पता नहीं क्यों लगता है, किन्नू के पेड़ है। आने वाला है अभी हमारी अपनी मंजिल मकसद, पहुंचने वाले हैं। मैं आपसे कह रही थी, चेक करो कैसा फ्लाइट। हम लोग काफी वैसे काफी दिनों बाद आए हैं बेरियटो, काफी दिन, बहुत साल बाद। अभी एयर की वीडियो ये हमने कर लिए यहाँ पे एंट्री। अब थोड़ी और एंट्री आगे बाकी है। खूबसूरत मंजर गाइस, हम पहुंच चुके हैं फाइनल अपनी जहां आना था हमें, वहां बहरिया टाउन। और ये अली अपना टिड्डा टाउन है पीछे। बाइक वाले को रोकेंगे क्यों? लड़कों को रोक। हां तो मायरा तो बाइक पे ही होगी। नहीं, लड़कों को ये चेक कर, गाड़ी में जाऊंगा उनको नहीं रोकेंगे। हम किसी से भाई वो आ बच्चे हैं ना, वो ऐसे हैं तो क्या हुआ, हम तो अच्छे हैं ना, चलते रहे आगे बढ़ते रहे। ठीक है जी, ऐसे दुबई की तरह लोग घूमने आते हैं। ये चेक करें, ये एजेंट बंदा हुआ, देखिए कैसे खड़ा हुआ ये बंदा। एजेंट है, ये चेक करें। एजेंट है, क्या हुआ? मस्जिद बढ़िया लगी, बड़ी लगी। गाड़ी चलाएगी तो हम बैठे रहे। अच्छा चलो चलो बैठी रहो। मीरा देख बेटा, गाइस यहाँ पे मीरा गाड़ी चलाने वाली है। अब सोचेंगे क्या होने वाला है यहाँ पे। हमने कलमा पढ़ लिया है, आदिल कुर्सी बाजी पढ़ लेंगी। शुमाइला तुम कोई और सूरत पढ़ लो, अच्छी तुम आती हो। गाइस ये मीरा अपने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया माशाल्लाह से। ये देख लें हाईवे पे गाड़ी चला रही है हमारी बेटी। मीरा इसकी ना वो शाम में इसके वो दे देना मुझे ना तस्वीर, उस पर लगाऊंगी। गाइस ये देखिए हम दोनों यहाँ बेचारे फंस के बैठे हुए हैं, जबकि दो गाड़ियाँ जा रही है उसके बाद भी। हाँ इस वक्त चला रही है हमारी मीरा गाड़ी। ये हमारा असद इसको गाइड कर रहा है बेटा हुआ। और ये चेक कराओ, कितनी स्मूथ चला रही है मेरी बेटी। ओके बेटा दो मिनट, कितनी स्मूथ चला रही है मेरी शहजादी। ये बैठी मेरी शहजादी। यार आप लोगों ने दुआ करने का, अल्लाह ताला इसी बिल्डिंग में मेरा एक आध घर हो जाए बस। सब ने मिलकर दुआ करनी है, मुझे ऐसा वाला सुकून चाहिए अपनी जिंदगी में। ये पूरा समन यहाँ पे झूलों का जगह है ना। हाँ तो गाइस हमारा बहरिया टाउन का बहुत बड़ा गहरा मकसद है, जो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। वो सरप्राइज इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट मंथ से मंथ पता चल ही जाएगा कि सरप्राइज क्या था यहाँ पे। तो फिलहाल अभी बताने का नहीं है, सिर्फ देखने का है कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। हम लोग इंजॉय करेंगे और मजे करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बहरिया टाउन और आगे जा रहे हैं। बेट कौन सा है यहाँ पे?
अच्छा हमें तो ये भी नहीं पता, ये बोली किसी खास बंदे का घर होगा इतना ऊपर जाके। सर ये मेरा भी एक दिन यही घर होगा, अरे मेरा घर भी एक दिन यही कहीं होगा इंशाल्लाह। हेलीकॉप्टर खड़ा होता है। अच्छा माशाल्लाह, चलो जिसको ना अल्लाह ने इज्जत दी ये चेक कर। ये मेरी बेटी ड्राइविंग कर रही है बेरिया टाउन के अंदर। भाई यहाँ का जो व्यू है ना जो बहुत हसीन है कि दिल को बहुत अच्छी वाली वाइब्स होती है ना वो आ रही है। ये ऊपर है ना, ये ऊपर वाला घर है। और ये आ गए हमारी बेरिया टाउन की मस्जिद। ये सबसे बड़ी मस्जिद है हमारी जो कि बहुत ही हसीन मस्जिद है। आप देख रहे हो नहीं दिख रही आप लोगों को, ये आ गई मस्जिद बेरिया टाउन की। पता है मुझे सबसे मशहूर यहाँ की बेरिया टाउन। यहाँ पे मजा आता है जब आओ ना, सुकून एक तो बहुत बड़ा, फिर हवा, फिर हरियाली, इतना सुकून मिलकर मिलता ना यहाँ पे। हम लोग तो अगर काफी साल बाद आए यहाँ पे दोबारा से, हम लोग बहुत पहले आए थे, पता नहीं 14 अगस्त थी कि 13 अगस्त थी, कुछ था ऐसा कुछ था। तो पूरी फैमिली हमारी पूरी ससुराल ही आई थी यहाँ पे है ना पहले भी। ये चेक कर, ये आ गया हमारी मस्जिद। मस्जिद कहाँ चली गई मेरी, अभी यहाँ से दिखाती हूँ आप लोगों को करीब से। कराची की सबसे बड़ी मस्जिद है, कराची की पाकिस्तान की आई थी, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद, दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी मस्जिद। तो ये कितना बड़ी एजाज है कि हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी मस्जिद। खाने काबा, फिर हमारा दूसरे नंबर पे मदीना होगा, मदीना, और तीसरे नंबर पे ये हमारी मस्जिद, ये रही ब्यूटीफुल मस्जिद। ये चेक करें हम लोग, ये रही मस्जिद। वो गाइस ये देखिए इसका नेट नहीं चल रहा है, तो इसे गाड़ी से नेट चलाने के लिए उतरा है, ये किसी से बात करने के लिए उतरा है, ये किसी को नहीं पता है। किससे बात हो रही है, सारे उतर रहे हैं। कितनी है लेकिन हसीन कितना आ रहा है व्यू, आप ही देख रहे हो, वाह वाला व्यू ये देखिए आप, क्या सुकून सुकून सुकून। क्या ये मुझे वहाँ जाना है, ऊपर जाना है मुझे, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर जाना है, चलते हैं अभी ऊपर ही ऊपर। ओ आसमां पे आए, चलते हैं। गड्ढे खुला हुआ है, दो दो वो भी, एक नहीं दो दो। यहाँ पे चप्पल तो उतार सकते हैं ना इसके अंदर तो, हाँ इसके अंदर तो। आ जाओ बा, ये चेक करो बाबू, वाह ये तो ज़्यादा घेरे हैं, ज्यादा घेरी घेरी घास है ये, खूबसूरत। हाँ बेटा जी, हाँ वाह इधर आ गई, आ गई नूर, हाय। बहुत अच्छा व्यू है गाइस, और हवा भी बड़ी तेज है, हवा भी बड़ी तेज है, और नो ऐसा लग रहा है मैं उड़ रही हूँ। चलो ऐसा लग रहा है कि उड़ रही है, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए यार लेकिन घास बहुत बड़ी है, कटी भी हो ना। ओ देखो कहाँ पहुंच गए, ऊपर पहुंच भी गए बच्चे, अभी हम यहीं है नीचे नीचे, देखते क्या होता है। लो आधी फैमिली हमारी वहीं है, आधी फैमिली हमारी वहीं है, ठीक है चढ़ते हैं ऊपर, चढ़ के फिर आप लोगों को बताते हैं क्या होगा। ये चेक करें, घास बची लेकिन मैं बैठ नहीं सकती क्योंकि ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा गहरी घास है, छोटी नहीं है। कितना खूबसूरत है व्यू पूरा, पूरी फैमिली कितनी दूर रह गई। जो कराची में रहता है ना मैं कहती हूँ उसको आना चाहिए, थोड़ा फैमिली से निकलो बाहर घूमो फिरो एंजॉय करो, माइंड फ्रेश होता है आप लोगों का और बहुत ही ज़बरदस्त आता है। हम बस यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना एक बहुत बड़ा मकसद के लिए हैं, अल्लाह पाक पहले तो हमारा मकसद के लिए पाक हो जाए, हमारा मकसद अच्छा हो जाए, दूसरा हम लोगों को फिर आप लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, इसलिए डेली के व्लॉग देखना, हर व्लॉग के अंदर आपको कोई ना कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है, हर व्लॉग में आप लोगों को कोई ना कोई कुछ ना कुछ। माय गॉड ये देखो कितनी घेरी घेरी घास, ये देखो घेस असल में ज़्यादा घर घेरी है ना, मुझे डर लग रहा है इसके अंदर कुछ हो ना घासों के अंदर, ये वजह है। आज बेटी ने गाड़ी चलाई है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी गाड़ी चला रही थी वो, मज़ा आ गया। ये देखो रंग की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं सबके वहाँ पे, और हम बना रहे हैं यहाँ पे अपना व्लॉग। हेलो गाइस देखिए मेरा हस्बैंड भी आया कदर मेरे साथ, जो मुझसे जो मुझसे ये बंदा लड़ता रहता है, लड़ता रहता है, इसको शर्म नहीं आती जिंदगी को ऐसे।
कौन है? और वही वो लोग कितने ऊपर चले गए, उनको देखो, ईबा को देखना, ईबा को बुला के लाओ शवाला इनको। ये देखो इंजन कैसे भाग रही है छोटे बच्चों की तरह, मुझे डर लग रहा है कि वापस आ गई। इसे कहें वो लोग हैं कर दो पागल। तो यार मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इसमें क्या होता है? ये मस्जिद ही नहीं भी है, मस्जिद मदर, है ना, मदरसा। अच्छा ये मदरसा है यार। बस अभी आगे चलते हैं, अभी आप लोगों को दिखाते हैं आगे चल के। देखिए ये लड़का भी हमारे साथ आया हुआ है, इसको डर नहीं लगता। उसकी बीवी वहाँ, हमारी बच्चियाँ वहाँ, हम यहाँ। अयान चल ले, अयान अयान पिक्चर ले लो इसकी, अयान इसकी पिक्चर ले लो, नान की जल्दी से पिक्चर ले लो बाबू की। हाँ बाबू देखें ये पल हमेशा याद आएंगे, और इस पे एक शूट भी होने वाला है इन बच्चियों का, हमारी खूबसूरत सा। ये चेक करें, ये पल हमें याद आएंगे। ये हमारे घर की चार शहजादियाँ, दूसरा स्टेप बना लो। दो शहजादियाँ हैं जिसकी शादी अभी है और जिसकी शादी एक साल के बाद है, हमारे घर की। गाइस देखो कितनी दूर अलग से खड़ी हुई हो। ये हमारी चार शहजादियाँ, मेरी तस्वीर में आवाज आ जाएगी, आने तो आ रही है, तो वीडियो में आवाज आती है। तो माशाल्लाह इन लोग अपनी बच्चियां अपने अपने शूट करवा रही हैं, बहुत ही खूबसूरत। आनंद ऐसे उधर मुझे खड़ी हो, और ये है हमारी दुल्हन, ये चेक करें। लेकिन ये सरप्राइज आपको मिलने वाला है कुछ ही दो। यहाँ पे बहुत सुकून है, बहुत मजा है हमें, और हमारी तन्हाई है यहाँ पे, और एंजॉय है। बहुत ज़बरदस्त रील्स बनाई है, फोटो खींची है, वीडियो शूट हो रही है, बहुत ही सुकून है। आगे आगे देखें होता है क्या। गाइस देखें हमारे बच्चे, वाओ इतना प्यारे स्टाइल में बैठी हो तुम तो बाबू, बच्ची लग रही हो यार माशाल्लाह से। नहीं आपने वाकई में आपने प्रॉमिस किया था हमारी इबा ने कि इबा हमारी तंग नहीं करेगी। और ये चेक करें हमारी इबा का स्टाइल, ये देते हो हमारी मुन्नी का स्टाइल, कितनी प्यारी शहजादी लग रही है मेरी बेटी। इबा आप सुनना ना, हम लोग जा रहे हैं मायरा, आप भी आ रही ना, फिर हम लोग निकलेंगे सही है। ऐसी मस्जिद देखिए आप, बहुत हसीन है। और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं जगह जगह, आज हम लोग थोड़ा विजिट कर रहे हैं जगह जगह से, तो लोग देखिए भी यहाँ पे मेरे खाते रश हो रहे हैं, यहाँ पे नमाज का टाइम हो रहा है। इतने क्या करके अच्छा लग रहा है अली, मज़ा आ रहा है, फुल एसी अंदर है। यहाँ पर दुआ करो अगर लेडीज की पढ़ने की हुई तो हम जाएंगे इंशाल्लाह पढ़ने। अगर यहाँ पे लेडीज की पढ़ने की जगह हुई तो इंशाल्लाह ईशा की नमाज हम यहीं पर ही पढ़ने वाले हैं, ईशा की नमाज, क्योंकि अब मेरे खास से ईशा की नमाज का टाइम हो चुका है। ब्यूटीफुल मस्जिद, अभी शूट ही नहीं गई तो दिल कहाँ से हो गया तुम्हारी बेटा। ये अली कार पे बैठे हुए, देखे आप इनकी स्टाइल चेक करें बाबा के, ये चेक करें आप, वो उनके पापा। ओके चेक करें आप इसका व्यू, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी एक ज़बरदस्त लोकेशन मिलेगी। खुशखबरी, मेरा हर व्लॉग में कोई ना कोई पैगाम होता है आप लोगों के लिए कि यार देखो ऐसा नहीं ऐसा वैसा नहीं, हम लोग हर चीज़ की एक प्लानिंग कर करके चल रहे हैं। गिर ना जाऊँ, पता चल रहा मैं गिर जाऊँ, सन्नाटा हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये चेक करो यार इस मस्जिद का तो बात ही, वो औरतों की मस्जिद है लेकिन वो बंद पड़ी हुई है, औरतों वाली मस्जिद है पूरी वो। जहाँ बच्चे होते हैं ना वहाँ से शिकायतें शिकवे और कुछ नहीं होता, तो चलते हैं देखते हैं वहाँ पे है क्या। मेरी तो चप्पल भी ऐसी उतरी आ रही है, उतरे जा रही है। ये है लेडीज़ मस्जिद, अंदर चलते हैं,
अगर शूट करने की इजाजत हो ठीक है, वरना अगर चुपके से कर सके तो करेंगे। यहाँ है नमाज की जगह, खूबसूरत। ये वजू खाना आ गया और ये वॉशरूम। क्या मज़े है, सब ब्यूटीफुल मज़े। मैं आप लोगों से ऊपर कभी दिखा के लाती हूँ आप लोगों को ना, क्या मैं आपको ऊपर से दिखा के लाती हूँ। बहुत ही हसीन मस्जिद कहते हैं ना, हसीन। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सब वाइब्स आ रही सीख रही हूँ। माशाल्लाह कारपेट तो देखे आप, सुभान अल्लाह। इतना सुकून है, अगर हम रोज़ा भी आके खोलें, यहाँ फुल एसी चल रहा है, चिल वाला एसी। अल्लाह कसम से मुझे तो नींद आना शुरू हो गई हूँ पैदली। ये देखिए सूरतें, खूबसूरत खूबसूरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार मेरा तो वापस जाने का दिल ही नहीं कर रहा, दिल चाह रहा है मैं यहीं बैठ जाऊँ और सुकून आके। मैं अल्लाह के घर में जितना सुकून है ना कहीं नहीं। एक आपको यहाँ से वाइब्स आती है कि वाह मेरे मालिक, तेरे घर में जो सुकून है, तेरी इबादत में सुकून है ना कहीं नहीं। दुनिया की कोई दौलत में सुकून नहीं है, ये मेरे मालिक के घर में बड़ा ही सुकून है। ये नीचे का पोर्शन है। हाय, इतना हसीन है ऊपर का, मैं तो वारी वारी जा रही हूँ, वारी वारी। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत यार। अल्लाह ताला तेरे घर में खड़ी हूँ मेरे मालिक, जो मेरे दिल की दुआएं तो सारी कबूल करी, जो मेरी परेशानियां सारी ख़त्म कर देना अल्लाह ताला। बस तू बड़ा रहीम और करीम है। मज़ा आ गया। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने यहाँ पे नमाज़ अपनी अदा कर ली है माशाल्लाह। अब नमाज़ पढ़कर इंशाल्लाह यहाँ से निकलते हैं हम लोग। देखिए कहाँ जाते हैं, वहाँ से फाउंटेन शावर होता है ना, वहाँ जाएंगे हम लोग। देखिए आपस में सारी लड़कियाँ हमारी गॉसिप कर रही हैं चुप चुप के, पता नहीं कौन सी गॉसिप कर रही हैं। मैंने कर भी ली बेटा। और ये लेकिन इन्होंने ऐसी बंद कर दिया, उन्होंने इतना चिल था, इतना सुकून था ना यहाँ पे, उन्होंने ऐसी बंद कर दिया उठा के ना। और ये नीचे नमाज पढ़ के लोग अब जा रहे हैं। बहुत बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिल को सुकून। यहाँ पे सुकून है सबसे बड़ी बात, सुकून। ये चेक कर रहा हूँ मस्जिद के अंदर। आपने बड़ी सुने, इतनी हसीन मस्जिद माशाल्लाह, इतना सुकून आपको बता ही सकती यार, इतना सुकून। नमाज पढ़ ले अंदर घर चले। गाइस हम देख कितने सारे अफराद हैं, 1 2 3। किसी चीज की इजाजत नहीं है तो वो क्यों नहीं है, ये भी देखें। क्या ये देखें, अच्छा ये जो लाइटिंग जल रही है वो क्या चीज है? अच्छा एफिल टावर है। ये बंदा गाड़ी चला रहा है, इतनी खतरनाक हमारी। ये चक्कर है यार, बहुत आज हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने। असद के बच्चे अच्छी सी गाड़ी चला रहे मेरा भाई, ये गाड़ी को बार बार झटके दे रहा है, ये इसी तरह हम लोगों को तंग करता है, कुछ नहीं है। बाकी सब खैर, चले मिलते हैं खाना खाते वक्त। हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, बस अब बैरिया टाउन से टाटा बाय बाय हो रही है हमारी, निकलते हैं बस। ये देखिए अभी मुझे असल में ना वहाँ पे आना था, वो आपको दिख रहा है येलो येलो का यार, ये रहा। मुझे यहाँ आना था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अफसोस के साथ कहती हूँ नहीं निकलना हुआ। बड़ा ही दिल अंदर से धक 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 करता रह गया ये। लेकिन इनकी जो एंट्री बनी हुई ना यार, ये ऑसम एंट्री है। आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी कि अल्लाह ताला हम यहाँ पे एक अच्छा सा प्यारा सा घर ले लें। और असद इतनी तेज़ गाड़ी चला रहे हैं ना, असद के सर में देखो भवरा भी है, ये रहा बच्चे देख लो, सब बच्चे देख लो। ये हम आ गए हैं शाइन शनवारी, ज़बरदस्त खाना खाते हैं फिर निकलते हैं। गाइस निकलते हैं सब लोग, ठीक है सुकून से निकल रहे हैं। चलते गाड़ी निकलना शुरू हो गई गाइस, यहाँ पे हम एंट्री हमने कर ली है। अब देखिए हमें जगह अल्लाह करे वहीं मिली हो जहाँ हमें चाह रही थी जगह मिलना, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ना इधर हो जाओ, देखते हैं क्या करते हैं।
अच्छे से वो हो, सुकून वाला हो माहौल, ताकि हम सुकून से बैठें। ओ वाओ, अगर ये वाला डेस्टिनेशन भी हो। हाँ, द ब्यूटीफुल ये लिमका है कि बियर है। गाइस ये देखो बच्चे कितना एंजॉय कर रहे करेले मंगवा ले, करेले होंगे। आपने ये खाने आना था तो पहले बता देता मुझे। बेसन की रोटी या फिर वो गाइस ये अच्छी जगह पर है, मुझे कोई पिला दे, मेरा ये पीने का दिल चाह रहा है। भाई बहुत अच्छा होगा, मैं अपने बेटे को पटाती हूँ अभी। मेरा बेटा मुझे लेके जाएगा इस रिसेप्शन पे। पूरा यहाँ पे सुकून, उसने इतनी शदीद आई ना कि अब बंदा गिर रहा है सिग्नल के। अभी देखते क्या होता है। क्या हुआ यार? फोन पकड़ गया लाइट का। अच्छा मैम बताओ बेटा अपना। हेलो 70 आ रही है। बस सबसे मुश्किल काम आपने बोल दिया राइस, जो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। राइस छोड़े मत, ग्रेजुअली कम करना, मतलब कि एक लार्ज अमाउंट आप ले रही हो तो ग्रेजुअली हल्का 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 करना पड़ता है, एकदम से तो किसी से भी नहीं होता। ये एक बार जब बढ़ जाए ना तो ये एक रोग लग जाता है, आशिक हो जा वाला। चलो जनाब 70 वेट है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करना है पूरा, हमें कोशिश करके इंशाल्लाह कम करना है। दादा है बदन मेरे 70 है दादा, बोल रही है हाँ मेरे वेट के, क्या बोलते हैं हाइट के हिसाब से। चले जी चलते हैं, मिलते हैं फिर, टाटा बाय बाय। गाइस मैंने ये पीना है मार्गरेटा, और मैं गई थी मेरे पीछे ये टेस्ट इन्होंने करने के लिए दिया था, और जो ना मुझे नहीं दिया उन लोगों ने, अब मैं खरीदूंगी और ये लड़का मुझे दिलाएगा। देखिए नहीं सबका छिचोरापन चल रहा था, अपना हंसी मजाक खाने का वेट कर रहे हैं लेकिन खाना ही नहीं आया। बहुत मेरे है तुम लोग तो दूर हो। नहीं बहुत इंतजार के बाद खाना आ गया है, खाना खा रहे हैं, सब भूखे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा। चलो खाना खा के फिर मैं आप लोगों से मिलते हैं। खाना कैसा लगा आपको? असद की मेरी हालत ऐसी हो रही है, आगे खुल नहीं रही हम दोनों की। हम दोनों ने थोड़ी थोड़ी सी पी ली है हम दोनों ने थोड़ी थोड़ी सी पी है, ज़्यादा नहीं पी है। नहीं यार तुम्हें आगे बहुत ज़्यादा अजीब हरकत हो रही है। अच्छा गाड़ी चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया, बढ़ गई बारात। कढ़ाई थी, रायता था, नान थे हमारे साथ, बहुत अच्छी थी कढ़ाई, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी फिर, तबीयत अच्छी नहीं थी। तबीयत अच्छी हो तो बंदा दिल से खा रहा होता है। आपको शक्ल से भी लग रहा होगा हम कितना थक चुके हैं, यहाँ पे बस यहीं पर ही करते हैं व्लॉग का एंड। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और मेरी पूरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।